हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, देखिए 7.1 का ये आपका डिस्टेंस फार्मूला पे बनेगा। ये क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो कोई पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसका जो डिस्टेंस है क्या होगा, एक ठो को आपको ए मानना होगा, ठीक है, और दूसरे को बी मानना होगा, इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू, तो ये दो पॉइंट का डिस्टेंस है। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो एक पॉइंट का ए का वैल्यू दिया है, मान लीजिए कि ये एक्स वन वाई वन, इसका एक्स टू वाई टू, ठीक है। इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना होता है उसे हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। दिया है पहला क्वेश्चन क्या, 2, 3, 4, 1। इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट ए इक्वल टू कितना लेना है आपको, 2, 3, एंड बी इक्वल टू 4, 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स वन और ये हमारा वाई वन, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू वाई टू। अब हम इस पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला, तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, ए बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए आप, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आप सबसे पहले फॉर्मूला को पुट करोगे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आप वैल्यू को पुट करोगे, फिर क्या है, अंडर रूट एक्स टू, तो एक्स टू कितना है, 4 माइनस x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, तो y2 में 1 है और y1 में 3 है, तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर वाला काम करेंगे, तो 4 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 जाएगा, या 3 में 1 को घटाइए, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घटेगा, तो माइनस 3 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 root 8। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 2 4 जा 2 2 जा, दो दो के बदले एक दो बार आ जाएगा और ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 root 2, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी यूनिट आप दे दो, ठीक है, यूनिट आंसर, तो आपका ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स की जब दूरी होती है तो उसका ये डिस्टेंस फार्मूला है। आप ये फार्मूला पुट करोगे, फार्मूला के यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, तो जो पॉइंट दिया रहेगा ये एक्स वन और वाई वन रहेगा, एक एक्स टू और एक तो वाई टू। फिर हम इसे अच्छे से अरेंज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले करेंगे, उसके बाद स्क्वायर वाला रूट वाला को सॉल्व करके फाइनली हम आंसर ले आएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए।